पूरे भारत में एक साथ ईद की नमाज पढ़ी गई। लंबे अरसे से चल रहे लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिहार के भागलपुर में भी अंजुमन कमेटी और वक्फ बोर्ड के ऐलान के बाद सोमवार को ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में नहीं होकर बल्कि लोगों ने अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं हो, जिसके लेकर शहर के सभी मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन का काफ़ी मुस्तैदी देखा गया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा लोगों ने ईद की नमाज घर पर दो दो रिकात शुक्राना की नमाज अदा की गई। बहरहाल 2020 की ईद की नमाज एक ऐतिहासिक त्यौहार मनाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद की नमाज घर पर अदा किया गया, तो वहीं मस्जिद और ईदगाह लॉकडाउन के कारण सुनी रह गई। भागलपुर शहर के सभी प्रखंडों में एक साथ ईद की नमाज पढ़ी गई, तो वहीं ईद के नमाज के मौके पर कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए दुआएं भी की गई। मतलब इसके जरिए से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। और हम लोग यहाँ इसी पूर बारा पंचायत जो है प्रपति प्रखंड में पड़ता है, तो हम लोगों ने अपने अपने घरों में सब लोगों ने नमाज अदा की है। हम लोग अपने अपने घर में शुक्राना नमाज पढ़ा, चार रिकात हम लोगों ने, और पूरा एहतियात के साथ हम लोगों ने दूरी बनाए रखा है सबके साथ, सबसे सलाम वगैरह हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं। और दुआ हम लोगों ने यही किया अल्लाह से जल्द अपने मुल्क हिंदुस्तान में सुकून और शांति हो और जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को खत्म कर दे खुदाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर अंसारी है।